नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। मलेशिया से भी भाई काफ़ी सारी इंक्वायरी मेरे पास आती रहती हैं फ्लाइट से रिलेटेड, तो हम बात कर लेंगे वंदे भारत 4। जी हां साथियों, वंदे भारत 4 में बता दूं कि मलेशिया के लिए 5 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक 8 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हां साथियों, 8 फ्लाइटों का शेड्यूल वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे, पूरा शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा वंदे भारत 4 में। भाई अब तक की यही अपडेट है, 8 फ्लाइटें हैं, हो सकता है और भी फ्लाइट ऐड हो जाएं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, पेज को फेसबुक पेज वाले भाई पेज फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो शॉर्ट तरीके से अपन शुरुआत करते हैं भाई, तो आपको स्क्रीन पर आप देखते रहिए, 3 मिनट 2 मिनट में पूरी 8 फ्लाइटों का शेड्यूल आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं मलेशिया से। जी हाँ साथियों, मलेशिया कोलालंपुर से फ्लाइट है, जो मलेशिया की राजधानी आप सब लोगों को पता ही है, दिल्ली के लिए फ्लाइट है। जी हाँ साथियों, और भाई दिल्ली के लिए फ्लाइट है 5 जुलाई को 18:35 पे फ्लाइट पहुंचेगी, 177 यात्री पहुंचेंगे। और भाई दिल्ली अगर फ्लाइट आ रही है तो ये मान लीजिए दिल्ली में राजस्थान कवर हो जाता है, यूपी, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये 3, 4, 5 स्टेट कवर हो जाएंगे इसी में, इसीलिए दिल्ली की फ्लाइट दी गई है। बाकी आपको पता है दिल्ली स्टेट के तो कितने होंगे, दिल्ली के इतने लोग नहीं है, सबसे ज़्यादा हरियाणा पंजाब के लोग हैं, जो इसी में नंबर आपका आएगा भाई दिल्ली वाली फ्लाइट में। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया से एक फ्लाइट है तमिलनाडु के लिए। जी हाँ साथियों, ये पहुंचेगी तिरुचुपल्ली। ये तिरुचुपल्ली भाई पहली बार फ्लाइट का नाम सुन रहा हूँ मैं 2 महीने के दौरान, आज तक कोई नाम नहीं आया। ये फ्लाइट है साथियों 6 जुलाई को, जी हाँ साथियों, 21:10 में नाइट में फ्लाइट पहुँचेगी, 177 यात्री शामिल होंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया से फिर एक फ्लाइट है कोलालंपुर से दिल्ली के लिए 9 जुलाई को 22:35 पे पहुंचेगी नाइट को, 177 यात्री शामिल होंगे। तो भाई 3-4 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वाले सुन लीजिए, इसी में आपका नंबर आने वाला है। आगे बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया से कोलालंपुर को 10 जुलाई को एक फ्लाइट है साथियों कोच्चि केरला के लिए। जी हाँ, 16:20 पे फ्लाइट पहुँचेगी, 177 यात्री इसमें शामिल होंगे। आगे फिर बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया कोलालंपुर से कोच्चि के लिए फिर एक फ्लाइट है 11 जुलाई को 21:20 पे फ्लाइट पहुंचेगी, 177 यात्री इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया कोलालंपुर के लिए है हैदराबाद के लिए तेलंगाना। जी हां, तेलंगाना हैदराबाद फ्लाइट पहुँचेगी 12 जुलाई को 16:35 पे यात्री पहुँचेंगे, 177 यात्री शामिल होंगे। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया कोलालंपुर तिरुचुपल्ली के लिए है तमिलनाडु के लिए 17 का इसका शेड्यूल है, 177 यात्री पहुंचेंगे 13 जुलाई को। लास्ट फ्लाइट की बात कर लेते हैं भाई, मलेशिया कोलालंपुर से, जी हां साथियों, दिल्ली के लिए फ्लाइट है 14 जुलाई को 18:35 पे 177 यात्री शामिल होंगे। तो भाई देखिए, खुशखबरी आपके लिए ये है कि 8 फ्लाइटों में से 4 फ्लाइटें दिल्ली आने वाली हैं, बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूँ। और कंट्रियों की बजाय गल्फ कंट्रीज़ में एक साथ में इतनी फ्लाइटें नहीं हैं, तो आप जैसे राजस्थान के कुछ बंदे हैं, हरियाणा के भी बहुत सारे बंदे हैं, पंजाब के सबसे ज़्यादा हैं, हिमाचल, यूपी, बिहार, ये इनका भाई आपका इसी दिल्ली वाली फ्लाइट में नंबर आने वाला है। आप देख लीजिए, अगर इसमें नंबर नहीं आ रहा है तो फिर 14 जुलाई तक कोई फ्लाइटें नहीं हैं, मात्र 8 फ्लाइटें हैं, जो 4 फ्लाइटें दिल्ली के लिए हैं, 3 फ्लाइटें केरला के लिए हैं, ये तो एक फ्लाइट शायद हैदराबाद के लिए है। तो ये फ्लाइटों का शेड्यूल है। इसके अलावा और कोई अगर नेक्स्ट अपडेट कोई आती है वंदे भारत मिशन में और फ्लाइट ऐड हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया 8 फ्लाइटें यही हैं, इसके अलावा कोई फ्लाइट नहीं है। कॉन्टैक्ट भाई फॉर्म भर रखा होगा तो आप जल्दी से जाके एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर लें ताकि आपका नंबर आ जाए। अगर इसमें नंबर नहीं आता है तो फिर भाई और वेट करना पड़ सकता है। तो साथियों, आज की जानकारी मलेशिया से रिलेटेड बस यही थी। आगे मिलते हैं कभी अच्छे टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।